सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर। जी हाँ, तो धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके हैं। अब तक उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में देकर हम सबको इंस्पायर किया है। भले ही अब फिल्मी दुनिया से उन्होंने दूरी बना ली हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उन्हें हमेशा खलता है। जी हाँ, ऐसी कौन सी बात है जिसका अफसोस आज तक धर्मेंद्र को रह गया है? आखिर ऐसा कौन सा सपना है जो धर्मेंद्र का अब तक पूरा नहीं हो पाया है? जी हाँ, उसी सपने के बारे में हम आज इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आखिर वो अपना ऐसा कौन सा सपना पूरा नहीं कर पाए जिसके अफसोस में आज तक धर्मेंद्र जी रहे हैं। उसी सपने के बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का भरा पूरा परिवार है। पत्नी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर से उनके 6 बच्चे भी हैं और सभी सेटल्ड हैं। लग्जरियस लाइफ जीने वाले धर्मेंद्र को देखकर शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा होगा कि उनका एक सपना आज भी अधूरा है और इस सपने के पूरा होने की संभावना भी अब मुश्किल ही है। खास बात यह है कि यह सपना अब भी धर्मेंद्र को बहुत सताता है। हालांकि सपने के पूरा होने के बिसात एक बार बीयर चोपड़ा ने बिछाई थी, लेकिन शायद धर्मेंद्र की किस्मत को ये मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र की ये अधूरी इच्छा क्या है, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र पंजाब के गांव से मुंबई हीरो बनने निकल पड़े थे। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि उन्हें हीरो बनने का सपना किसने दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि असल में धर्मेंद्र के रोल मॉडल दिलीप कुमार रहे हैं और वह उन्हीं को देखकर एक्टिंग करने की सोच रहे थे और निकल पड़े थे एक्टिंग के लिए। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्हें जो मिला है वो बहुत अधिक है, इसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी, लेकिन एक कमी उन्हें आज भी अफसोस महसूस कराती है। ये कमी कुछ और नहीं बल्कि दिलीप कुमार के साथ काम ना कर पाने की है। धर्मेंद्र का कहना है कि वो जिसके कारण एक्टर बने उसी के साथ काम नहीं कर सके। जी हाँ, आपको बता दें, धर्मेंद्र ने बताया था कि उनका सपना बीआर चोपड़ा पूरा करने वाले थे। बीआर चोपड़ा चाणक्य बनाने जा रहे थे और इसमें दिलीप कुमार को चाणक्य और धर्मेंद्र को चंद्रगुप्त के रूप में उन्होंने साइन भी कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, धर्मेंद्र ने बताया था कि शूट के लिए महंगे पोशाक, मेकअप और प्रचार पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन फिल्म फ्लोर पर नहीं आ पाई। जी हाँ, धर्मेंद्र ने कहा था कि उनके लिए सबसे निराश करने वाली बात यही थी और उनके सपने बिखर गए थे। उनका कहना था कि वो बहुत खालीपन और निराशा महसूस करते हैं क्योंकि वो कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाए। एक बार धर्मेंद्र ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक थ्रोबैक वीडियो भी शेयर किया था। उनका ये वीडियो फिल्म फेयर अवार्ड शो का था। जी हाँ, आपको बता दें कि वीडियो में धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के हाथों से फिल्म फेयर अवार्ड लेते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस वीडियो में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के साथ खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो भी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस थ्रोबैक वीडियो में दिलीप कुमार धर्मेंद्र को फिल्म फेयर अवार्ड देते हुए उनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिलीप कुमार धर्मेंद्र के अभिनय के अलावा उनके व्यक्तित्व की तारीफ कर रहे थे। आपको बता दें कि अपनी तारीफ को सुनकर धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे और धर्मेंद्र दिलीप कुमार के पैर छूने लगते हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन भी लिखा था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, फिल्म इंडस्ट्री के खुदा से हौसला अफजाई,
सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का ये थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। उनके कई फैंस वीडियो को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी लोग देते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, इन दोनों कलाकारों ने लंबे समय तक फिल्मों में अपने अभिनय से हमेशा लाखों दिलों को जीता है। जी हां, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार एक साथ फिल्म करने वाले थे, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो पाई। जी हाँ, आपको ये भी जानकारी दे दे कि आपके फेवरेट स्टार जो धर्मेंद्र हैं, उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का जन्म इसी दिन हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। जी हाँ, धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वो इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्म में बनाने का निश्चय कर लिया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए मीलों पैदल चले। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से भी अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा है और अपने टैलेंट हंट में चुन लिए गए थे। जी हाँ, धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा, कई बार सिर्फ चने बेचकर सोकर रात बितानी पड़ी, लेकिन आखिर वो दिन आया जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। जी हाँ, फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। जी हाँ, इसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। भले ही आप धर्मेंद्र फिल्मों से दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र को इस बात का अफसोस शायद जिंदगी भर रहेगा कि वो दिलीप कुमार के साथ कभी भी काम नहीं कर पाए और उनका ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। जी हाँ, आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना धर्मेंद्र के उस सपने के बारे में जिसे धर्मेंद्र आज तक पूरा नहीं कर पाए। जी हाँ, धर्मेंद्र हमेशा चाहते थे कि वो दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म जरूर करे, क्योंकि दिलीप कुमार को वो अपना आइडल मानते थे। उन्होंने फिल्मी दुनिया में इसीलिए कदम रखा था क्योंकि वो दिलीप कुमार से ही एक्टिंग सीख रहे थे। जी हाँ, जब वो फिल्मों में नहीं आए थे, उससे पहले दिलीप कुमार से ही इंस्पायर होकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का सपना सजाया था। और जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे दी, उसके बावजूद भी वो दिलीप कुमार के साथ एक भी फिल्म नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस हमेशा धर्मेंद्र को रहेगा। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।